आउच, यू इडियट, देखकर नहीं चल सकते। बेबी क्या हुआ, चोट लग गई? मरहम लगा दूं? तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो, कोयल ग्रुप के मालिक की इकलौती बेटी कोयल हूँ मैं। कोयल ग्रुप का नाम सुनते ही टकराने वाले लड़के मोहित रायजादा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान तैर जाती है। दोनों ही एक शानदार रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ लंच के लिए आए थे। और तुम क्या मेरे बाप को जानती हो? तभी कोयल के दोस्तों के साथ बैठा एक लड़का लकी मोहित की बात काट देता है। हाँ हाँ, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है तू। मैं नौकरों से बात नहीं करता, चल हट वरना। मोहित को टोकने वाला लकी, जो होलिये से बेहद गरीब और तंगहाल नजर आता था, लकी कोयल के दोस्तों के ग्रुप में पहली बार लंच के लिए आया था। वहाँ मोहित को कोई नहीं पहचानता था। नाम नोट कर लो, मोहित रायजादा नाम है मेरा। मोहित गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कोयल के पिता का फोन आता है। व्हाट, वो मोहित रायजादा था, शहर की सबसे बड़ी कंपनी लॉन्स ग्रुप का होने वाला सीईओ। उसके साथ मुझे एक रात बितानी होगी, वरना वो लोग कोयल ग्रुप से होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट डील कैंसिल कर रहे हैं। मेरी कंपनी कोयल ग्रुप उसकी कंपनी के आगे कुछ भी नहीं। ये सुन सबके चेहरे उतर जाते हैं सिवाय लकी के। वेट करो, मोहित क्या, मोहित का बाप भी अगले आधे घंटे में तुमसे माफी मांगेगा। कुछ देर बाद मोहित फिर नजर आता है, सबकी सांसें अटक जाती हैं और वो सधे कदमों से चल ठीक कोयल के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। I am sorry sister, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे। कि तभी कोयल के फोन पर उसके पिता का कॉल आने लगता है। क्या वो कोयल को किसी और खतरे से सावधान करने वाले थे? अचानक मोहित का माफी मांगना कोई साजिश तो नहीं? गरीब लकी ने इतने बड़े मैटर को सॉल्व करने के लिए किसे फोन किया था? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने ट्विस्ट और टर्न से भरी कहानी इंस्टा मिलियनेयर।